14 मई 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि सुपर साइक्लोन मोका 278 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार के साथ बांग्लादेश एवं म्यांमार के तट से महाविनाश बनकर टकराया है। समुद्र में सुनामी के जैसे 20 फीट से भी अधिक ऊंची लहरें उठने लगी। क्या पेड़, क्या घर, क्या टेलीफोन के टावर, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, ना खाद्य मिल रहा है ना ही जल। सुपर साइक्लोन मोका 2023 का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विनाशकारी आपदा है, जो 600 वर्ष पूर्व पंचसखाओं की रचना भविष्य मालिका की सतर्कवाणी को सत्य प्रमाणित कर चुका है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, पूर्ण रूप से विनाश हो चुका है। म्यांमार का सितवे शहर तो खंडहर बन चुका है, क्योंकि सुपर साइक्लोन मोका म्यांमार के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान है। विनाश का ये चित्र अति विचलित करने वाला है एवं प्रमाणित भी कि सुपर साइक्लोन मोका कितना खतरनाक था। स्थल भाग में टकराने से पूर्व मोका कैटेगरी 5 साइक्लोन बनने के साथ ही 278 किलोमीटर पर आवर की तीव्र रफ्तार को धारण कर चुका था। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में रहा करते थे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या। जी हाँ, रहा करते थे सुपर साइक्लोन मोका से पूर्व। अब वो अंचल खंडहर बन चुका है। म्यांमार के रखीने राज्य का राजधानी सितवे, जो कि इन रोहिंग्या मुस्लिमों का गढ़ था, जी हाँ था, सुपर साइक्लोन मोका से पूर्व अब वो शहर संपूर्ण रूप से तहस नहस हो चुका है। ना बाएं ना दाएं, सुपर साइक्लोन मोका बिल्कुल उसी स्थान से टकराया जहां पर रहते थे रोहिंग्या मुसलमान। क्या ये केवल एक संयोग है या महागुप्त कल की लीला? क्या आप बता सकते हैं कि म्यांमार के 90% जनसंख्या का मूल धर्म क्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। ग्रंथ का नाम कौड़ी जुगो भविष्य मालिका। गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, न रहीबे जबन जे पढ़ेबे छाड़ी, निसत्त होई न जीबे निज पथ माड़ी। नृपति माने जे मर्त्य न रहीबे केही, नयन देखिबु दिने अच्युत कहई। अर्थ, कलयुग के अंतिम कालखंड में यौवनों का वंश संपूर्ण विनाश हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर से इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब विचार आपको करना है। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि मयूर या मोर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन भारत के कौन से राजा का है? सही उत्तर है राजा विक्रमादित्य। विजेता का नाम है सोमनाथ विरादर। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।